दक्ष ने एक लड़की पसंद कर ली है और उसने उसी से शादी करने का फैसला भी कर लिया। दक्ष ने वाकई उस लड़की से शादी कर ली और अगर वो लड़की जरा भी समझदार निकली तो हमारे जिंदगी भर की मेहनत, हमारे प्लान, हमारे सपने सब चौपट हो जाएंगे। मैं जानता था कि अगर मैं तुमसे कुछ मांगूंगा ना तो तुम मुझे मना नहीं करोगे। इस वक्त मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा था वो दक्ष, जिसकी कहानी मैं पहले खत्म कर चुकी हूँ। इतना डरा दिया है मैंने विक्रम को कि वो दक्ष से तो क्या, दुनिया के किसी भी लड़के से अन्नू की शादी के बारे में सोचेंगे भी नहीं। माया, माया, माया कहाँ हो तुम? मैं तो यही हूँ आपके सामने, मगर आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? मैं तुम्हें जो खुशखबरी सुनाने वाला हूँ उसे सुनकर तुम पागल हो जाओगे। कौन सी खुशखबरी? अन्नू ने दक्ष से शादी के लिए हाँ कर दी है। माया, आज मैं इतना खुश हूँ कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मगर ये सब हुआ कैसे? अनु अचानक मान कैसे गई? अरे भाई, एक बेटी अपने बाप को ना कैसे कह सकती है, और खास करके अगर वो बेटी अनु जैसी हो तो। तुम बस शादी की तैयारियां शुरू कर दो माया, ढोल बजाओ, नाचो गाओ। इस बार तो मैं भी नाचूंगा। देखना माया, ऐसा झूमूंगा, ऐसा नाचूंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। से शादी करना चाहता हूं। मेरी अपनी एक अलग दुनिया है जिसमें किसी के लिए कोई जगह नहीं। दक्ष बेटा। विक्रम अंकल, आप आइए ना, बैठिए। बेटा, आई एम सॉरी, तुम्हारे सेक्रेटरी ने कहा कि तुम यहां अपने स्टडी में बैठे हो। अरे अंकल, सॉरी किस बात की? आपने मुझे फोन कर दिया होता, मैं खुद चला था आपसे मिलने। बेटा, खुशखबरी फोन पर थोड़ी दी जाती, वो तो गले मिलकर दी जाती। आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है दक्ष, क्योंकि अनु ने शादी के लिए हाँ कर दिया। बेटा, कंग्रेचुलेशन। ये देखो, मैं तो मिठाई भी ले आया अपने साथ। लो। अंकल, ये आप क्या? अनुपमा, I can't believe this, अंकल। You better believe it, बेटा। पर अंकल, ये अचानक ये सब। और ये सब तुम्हारे अपने प्यार पर यकीन की वजह से हुआ है। अनु के इनकार के बाद तो मैंने इस रिश्ते की उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन तुम्हारे यकीन ने मुझे हिम्मत दी बेटा कि मैं जाकर फिर से उससे बात करूं, और उसने हाँ किया। अंकल, थैंक यू सो मच, अंकल थैंक यू सो मच। आपको पता नहीं आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी अंकल। तुम कब तक मुझे अंकल अंकल कहते रहोगे? सॉरी अंकल, आई मीन सॉरी सॉरी पापा। मैं मेरी भैया भाभी को खबर देता हूँ, फोन कर लेता हूँ। नहीं, फोन क्यों करूंगा, जाके ही बता देता हूँ। मैं जाके उनको बोल देता हूँ, ठीक है? ओके पापा, ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आखिर आपको हो क्या गया है दी? आप तो कभी इतनी आसानी से हार नहीं मना करती थी, तो आप क्यों हार मान रही हैं? वो भी दक्ष से? वो मुझे छोड़कर किसी और से शादी करने जा रहा है। शादी करने जा रहा है, शादी की तो नहीं। और रही हार मानने की बात, तो हार तो मैंने आज तक किसी से नहीं मानी और न मानूंगी, क्योंकि इसी शादी पर हमारी जिंदगी का पूरा सपना टिका है, और ये सपना मैं हरगिज टूटने नहीं दूंगी। भाभी 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 भाभी। अरे भाभी से आगे भी कुछ बोलोगे या नहीं? और ऑफिस से इतनी जल्दी कैसे आ गए?
और इतने चहक क्यों रहे हो? कोई खजाना मिल गया क्या? अरे खजाना नहीं भाभी, कोहिनूर मिल गया मुझे। कोहिनूर? कोहिनूर मिल गया? मैं समझी नहीं। ओफो भाभी, ये सब आपको मैं बाद में समझाऊंगा, पहले आप ये बताइए आप अनुपमा से मिलने कब चल रही हैं? ओफो भाभी, ये बात बात पर आप पॉज क्यों ले लेती हैं? बताइए ना कब चल रही हैं? जब तुम कहो। हाँ तो ठीक है चलिए। अरे वो दक्ष अभी। भाभी ठीक है, आज नहीं चलना है, अनुपमा से मिलने कल चलना है, लेकिन आप तैयार रहिएगा और जरा चमकर तैयार होइएगा। हाँ अरे उन्हें भी तो लगना चाहिए कि मेरी भाभी क्या चीज है। पगला कहीं का। अब क्या होगा दीदी? होगा क्या, एक बार मैं अनुपमा से मिल दूं, देख लूं कि वो चीज क्या है, उसके बाद मैं कोई ना कोई बहाना बना के दक्ष को शादी ना करने के लिए मनाई। रात को फोन? ये स्वीटहार्ट, इस वक्त तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? याद तो वो करे जो तुम्हें कभी भूला हो। बड़े रोमांटिक हो रहे हो, क्या बात है? तो रोमांटिक क्यों ना हो, कितने दिनों के बाद तुमसे मिलने जो वाला हूँ। मतलब ये स्वीटहार्ट कि मैं इस वक्त तुम्हारे घर के सामने खड़ा हूँ। क्या? जल्दी से बाहर आ जाओ। मैं तुमसे इस वक्त नहीं मिल सकती, इस वक्त घर पर सभी हैं। अगर किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो। मुझे तुमसे मिलना है, मतलब मिलना है तो अपने घर का मेन डोर खोल कर रखो, मैं अंदर आता हूँ। मोंटी, आई लव यू। मोंटी, ओह माय गॉड। स्वीटहार्ट, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम यहाँ मत आना, फिर भी तुम। मैं खुद को रोक नहीं पाया। अगर किसी ने देख लिया तो। रिलैक्स, तो प्लीज जाओ यहाँ से। तुम मेरी बात तो सुनो। धनंजय कहाँ गए? शायद स्टडी रूम में होंगे। मोंटी तुम जाओ यहां से। अगर कोई जा गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। रिलैक्स, जाओ यहां से। तो हमारे प्लान का क्या हुआ जिसके लिए तुम मुझे छोड़कर यहाँ पर आई थी? और कितना वक्त लगेगा? तुम उसकी चिंता मत करो, जाओ यहाँ से। और कितना इंतजार करना होगा रश्मि? हाँ बहुत जल्दी हमारा सारा काम हो जाएगा। अगर दक्षिण रजनी को इस लड़की के साथ देख लिया तो। अगर कुछ गड़बड़ होगी तो। कोई गड़बड़ नहीं होगी, प्लीज तुम जाओ। चलिए बात बताओ मुझे कि हमारा जो प्लान है वो कहां तक पहुंचा? बस एक बार दक्ष मेरे जाल में फंस जाए और मुझसे शादी करने के लिए हाँ कहते तो उसकी सारी दौलत हमारी हो जाएगी। जब तक उसे पता चलेगा हम यहाँ से बाहर बहुत दूर निकल चुके होंगे, सिर्फ तुम और मैं। I love you too.
कोई गड़बड़ नहीं होगी। हे भगवान, ये इसने क्या कर दिया? दक्ष का भरोसा मेरे लिए बहुत कीमती है और उसे मैं किसी भी कीमत पर टूटने नहीं दूंगी। रजनी! जहर भरा है तेरे अंदर मेरे दक्ष के खिलाफ। ये सोचने से पहले तू मर क्यों नहीं गई? मत कह मुझे दीदी, मैं तुझे इस घर में अपना बनाकर लाई थी और तू गैरों से भी बढ़कर नहीं मर गई है। दुआ से मेरे लिए निकल जा यहां से, इसी वक्त निकल जा। आज से तेरे और मेरे सारे रिश्ते खत्म हो गए और अपना ये मनहूस मुंह मुझे कभी मत दिखाना। रजनी, दक्ष, ये तुमने ठीक नहीं किया। रजनी, जिस भाभी के चेहरे पर मैं शिकन तक बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुमने उनकी आंखों में आंसू दिए। इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं, निकल जाओ यहां से। दक्ष, जस्ट गेट लॉस्ट। जानता हूं कि जब अपने धोखा देते हैं तो कितनी तकलीफ होती है, पर मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता भाभी। अगर आप अपनी बहन के लिए आंसू बहा सकती हैं, तो अपने इस बेटे के लिए आंसू पोंछ भी तो सकती है ना। मुझे माफ कर देना बेटा, अपने बहन के प्यार में मैं अंधी हो चुकी थी। ये तो अच्छा हुआ कि तूने खुद ही शादी के लिए इनकार कर दिया, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। गलती रजनी की है और उसकी गलती के लिए ना आपको माफी मांगने की जरूरत है ना सुभाने की। हे भगवान, क्या हुआ भाभी? कहीं तुझे ये तो नहीं लग रहा कि मैं रजनी के साथ उसके प्लान में शामिल थी? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं कि मैं आपके बारे में ऐसा सोच सकता हूँ? अगर खुद भगवान भी आके कहे ना, तो भी मैं नहीं मानूंगा कि मेरी भाभी मेरे बारे में गलत सोच सकती है। थैंक यू बेटा। जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाइए और अपने आंसू पोंछ लीजिए। Because I hate tears, Bobby. वैसे एक बात बताइए, आप ये मुस्कुरा रही हैं, अपनी मुस्कुराहट का सैंपल दिखा रही हैं? अरे भाभी, जरा खुल के मुस्कुराइए ना। वैसे मुस्कुराने के लिए कुछ राशन कार्ड की जरूरत तो पड़ती नहीं है। I love you. I love you too, बेटा। दक्ष, तुम मुझे अनुपमा के घर कब ले चल रहे हो? अनुपमा के घर? भाभी, you are the best. You are the best, भाभी। मैं जानती हूँ दक्ष कि I am the best. मुझसे बढ़कर ना तो कोई है और ना हो सकता है। दीदी, जीजा जी, दीदी की बच्ची, जानती है तूने कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी? हर मोहरे मैंने जमा कर रखे थे, हर चाल सोच समझ के चल रही थी कि सही मौका देखकर तेरी और दक्ष की शादी की बात कर लूंगी, लेकिन तूने सारे खेल पर पानी फेर दिया। सॉरी दीदी, मुझसे गलती हो गई। गलती? गलती माय फॉल्ट।
तुम्हारी इस छोटी सी गलती की वजह से हम लोग कितने बड़े मुसीबत में फंसने वाले तुम जानती हो? तो अच्छा हुआ कि मीरा सही वक्त पे वहां गई और बात को संभाल लिया, नहीं तो आज दक्ष को हमारी असलियत के बारे में पता चल जाता। फिर जानते क्या होता, हम सारे के सारे रास्ते पे आ जाते। सर के ऊपर आसमान तो होता पर पैरों के नीचे की जमीन गायब हो गई होती, समझे? सॉरी जीजा जी। तुम और तुम्हारा इडियट बॉयफ्रेंड। अब छोड़िए ना इन बातों को, जो करना था वो तो कर दिया इसने, लेकिन अब देखना ये है जिस लड़की को दक्ष ने पसंद किया है वो हमारे प्लान के मुताबिक है या नहीं। मुझे चिंता सिर्फ इसी बात की है मेरा कि दक्ष को मॉडर्न और हाईफाई लड़कियां पसंद है, कहीं ये लड़की भी वैसी निकली तो हमारे सारे प्लान पर पानी भर जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अब ना चाहते हुए भी ये जुआ तो हमें खेलना ही पड़ेगा। अगर वो लड़की सीधी सादी हुई तब तो हमारी जीत है, लेकिन अगर वो लड़की जरा से भी होशियार निकली तो समझो हम हार गए। हमारी हार नहीं, कभी नहीं। बेटा जिंदगी एक पहिए की गाड़ी पे नहीं चलती बेटा, उसको चलाने के लिए दो पहियों की गाड़ी चाहिए। जो कुछ फैसला करो भावुक होकर फैसला नहीं करना। पति पत्नी का रिश्ता एक जन्म का नहीं सात जन्मों का होता है, और इस रिश्ते को तोड़कर मैं एक नया रिश्ता कैसे जोड़ सकती हूँ काका? हेलो जी, वो तो एक खास मीटिंग के लिए बाहर गए हैं। बेटा जो कुछ मैंने कहा है सोचना उसके बारे में। ये लीजिए भाभी, ये है अनुपमा का घर। अब आपको यहाँ पर पहुंचाकर मेरी जिम्मेदारी खत्म और आपकी जिम्मेदारी शुरू। तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। हाँ भैया, अभी आप मुझे टेंडर के फिगर्स मांगने के लिए फोन कर रहे हैं? हाँ वो लैपटॉप पर है भैया, मैं अभी देता हूँ। भाभी आप चलिए, मैं आता हूँ। हाँ भैया। भूलों को सिताने का शौक अब तक गया नहीं तेरा? विधवाओं के कपड़े पहनती और रंगीन फूल, कमाल है। जिन आंखों से अपने मरे हुए पति के लिए टसुए बहाती है उन्हीं आंखों से गैर मर्द के साथ नैन मटक्का करती हूं। ये आप क्या कह रही है? पहले तूने चैतन्य को फंसाया, फिर उसे खा गई, और अब दक्ष, बेचारा दक्ष। उससे शादी करेगी तो उसे भी कुछ हो जाएगा पक्का। उसके बाद तेरा क्या प्लान है? किन किन अमीर लड़कों को फंसाने का इरादा है? बस कीजिए माँ। आंखें दिखाती है मुझे तू? अपनी औकात में रहना, मैं विक्रम नहीं हूं तेरी सारी बदतमीजी सहूंगी। चल साफ कर इसे। मैं तुम्हारी मालकिन से मिलने आई हूं।
तुमने सुना नहीं? अनुपमा को बुला कर ला। भाभी, ये है अनुपमा। दक्ष को मॉडर्न और हाई फाई लड़कियां पसंद है। कहीं ये लड़की भी वैसी निकली तो? आंखें दिखाती है मुझे तू? मुबारक हो मीरा, आज तुझे तेरे खानदान की बहू मिल गई। I can't believe this, तुम मुझसे मिलने आई हो। And you know, मैंने तो हमारी शादी की तैयारी भी शुरू कर दी है। पंडित से बात कर ली है और हनीमून के टिकट्स बुक करवा लिए हैं, ड्रेस फाइनल कर दिया है और तुम्हारे लिए ज्वेलरी भी। रुक जाओ दक्ष, मैं ये शादी नहीं कर सकती।